यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। बहुत सारे श्रद्धालु ये है यहाँ पे। ज्योति कक्ष बड़ा तालाब है और सुंदर सा तालाब भी है और काफी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। ऐसे बैरिकेड ही ज्यादा फेवरेट फ्रूट है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ रतनपुर महामाया माता के दर्शन करने के लिए, साथ ही साथ आपको भी दर्शन कराने के लिए। तो महामाया माता के दर्शन करने से पहले भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी फिलहाल मैं हूँ भैरव बाबा मंदिर में, तो अभी चलते हैं दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे तो उसके बाद हम रतनपुर महामाया मंदिर पहुँच जाएंगे, लेकिन उससे पहले पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर। और ये है भैरव बाबा मंदिर का गेट, यहीं से अभी हम करेंगे एंट्री। और इसके सामने बहुत सारी कुछ दुकानें लगी हुई हैं, तो अभी हम चलते हैं अंदर। जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पे दुकानें मिलना स्टार्ट हो जाती है। और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुंदर तरीके से सजाया गया है, देख सकते हो कई जगह पे माला लगाया गया है। तो इस तरफ मनोकामना ज्योति रसीद यहाँ से प्राप्त करें। इस तरफ है दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी, तो भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय बजरंग बली। यहाँ पे देख सकते हो तालाब है और जिसमें कुछ मछलियाँ हैं और उनको दाना भी दिया जा रहा है। ये दाना मछलियों को देने के लिए काफ़ी बड़ा तालाब है और बाजू बाजू में अच्छे खासे पेड़ भी हैं। यहाँ पे तेल ज्योति कक्ष लिखा हुआ है और इधर पे रास्ता है ज्योति कक्ष की है यहाँ पे ज्योति कक्ष। यहाँ से अभी हम प्रवेश करते हैं। बाबा फूलों से सजाया गया है, ये है इनका प्रवेश द्वार। तो यहाँ नारियल तोड़ते हैं, जो भी प्रसाद में चढ़ाया जाता है उसके बाद यहाँ पे नारियल तोड़ा जा रहा है प्रसाद में, देख सकते हो। और अभी हम चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। जय भैरव बाबा की। भैरव बाबा को कितने ज्यादा अच्छे सुंदर तरीके से माला चढ़ाया गया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो अभी भैरव बाबा के दर्शन हो गए कंप्लीट। अभी मैं जा रही हूँ महामाया देवी मंदिर महामाया माता के दर्शन करने के लिए। जय माता दी, प्रसाद भी मिल चुका है। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ सिद्ध शक्ति पीठ श्री महामाया देवी मंदिर रतनपुर। और इसका जो गेट है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया गया है। नवरात्रि की वजह से यहाँ पर LED लाइट्स वाइट्स लग गई है और बैरिकेड्स लगा दिए हैं, एंट्री नहीं है बाइक को। जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ पे मेला वेला लगना शुरू हो गया है, तो बहुत सारी सामान मिल रहे हैं, मोबाइल ग्लास कवर और भी बहुत सारी चीज़ों की दुकान लगी हुई है। ये महामाया मंदिर का एंट्री गेट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा बनाया गया है। ऊपर भगवान शिव जी हैं और सांप है और यहीं से एंट्री करनी। आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें भी हैं और सामने जो है वहाँ पर वाहन पार्किंग है, तो गाड़ी वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो ये जो है ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग, यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है। अगर जैसे ही मंदिर में एंटर करते हो उससे पहले बहुत सारे लोग चार्ज लेते हैं, वो भी 20 रुपीज़ चार्ज लेते हैं गाड़ी का, तो वहाँ पे ना लगा के आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा सकते हैं। मंदिर भी पास में, यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है, देख सकते हो इतना ज़्यादा अच्छा व्यवस्था की गई है कि ऊपर शेड लगा दिया गया। वैसे भी बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो उसे धूप में चलना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें हैं जिससे आप माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद और फूल ये सब ले सकते हो, इस तरफ भी ले सकते हो। और बहुत सारी लाइट्स जो है वो लगी हुई है। तो अभी नवरात्रि का समय है, इस वजह से बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो आए हैं माता जी के दर्शन करने के। बहुत सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्क के ऊपर शेड भी लिखा हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है महालक्ष्मी अतिथि। और इसके जस्ट बाजू में यहाँ प्रसादन है और यहीं से एंट्री है। पुलिस भी बहुत सारी खड़ी हुई हैं, ड्यूटी कर रही हैं। यहाँ माता की चुनरी है। ये अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा दूसरा कसा गेट मिला हुआ है, बहुत सारे लोग शूटिंग भी कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे फूल माला वाला बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं डोंगरगढ़ भी गई थी तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया था और अभी भी यहाँ पे भी मुझे मिल गया। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप कमेंट करके बताना कि इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ लाइन से बहुत सारी वैरायटीज़ है प्रसाद की और लाइन से सारे प्रसाद ही प्रसाद हैं। यहाँ पे मुंडन संस्कार स्थल है और यहाँ पे मुंडन होता है। यहाँ पे है निःशुल्क जूता स्टैंड, तो आप मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पे आप अपने जूता चप्पल रख सकते हैं। मैं भी अभी यहीं पर अपना जूता रखूँगी। इस तरफ गन्ना छीला जा रहा है जूस निकालने के लिए बहुत सारा। प्रवेश द्वार है, अभी हम यहाँ से कर
एंट्री इस तरफ ऐसे बैरिकेड्स लगा हुआ है जाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे बैरिकेड्स बना हुआ है, इस तरफ है प्रवेश द्वार, यहाँ से अभी एंट्री करनी है। और वहाँ पे लिखा हुआ है महामाया मंदिर रतनपुर बिलासपुर, और इस तरफ है शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट। और मंदिर का जो प्रांगण है वो काफी बड़ा है, ऊपर जो है वो अच्छे खासे पंखे लगे हुए हैं, और जो व्यवस्था की गई है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि धूप में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं लेकिन उनके लिए इतना अच्छा व्यवस्था की गई है। इधर पे ऐसे लाइन लगी है, लाइन लगा के जाना है माता जी के दर्शन करने के लिए। उन्हें पीने की भी व्यवस्था है, अगर आपको पानी प्यास लगता है चलते चलते तो आप यहाँ से पानी भी ले सकते हैं पीने के लिए। काफ़ी लंबी थोड़ी लाइन लगी हुई है, अभी हमको पूरा लाइन क्रॉस करके जाना है। माता जी का भजन हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और अच्छा तालाब है। इधर पे देख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ टाइम आराम से बैठ भी सकते हो। जल्दी सुबह सुबह आ गए थे कि जल्दी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन नवरात्रि चल रही है तो जल्दी तो हो नहीं सकता है। काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, पूरा चल चल के जाना है उसके बाद माता रानी के दर्शन। तो आप जाके फाइनली नीचे आने का टाइम मिला, इतना लंबा चौड़ा लाइन लगा था। यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, हवन देख, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी इधर चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, फाइनली पहुँच चुके हैं माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य। जय माता रानी। तो अभी मैं माता रानी के दर्शन करके आ चुकी हूँ, मेरा तो दर्शन हो गया कम्प्लीट, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं दर्शन करा पाई क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटो अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने अंदर पे फोटोज नहीं बनाया। बाहर का मैं दर्शन आपको करा देती हूँ, अगर आप चाहें तो आप आके माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम माता रानी का दर्शन करके बाहर आए हैं, और ये जो देख सकते हो ये बाहर से मंदिर का पूरा मंदिर है, बाहर से जो मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छी लग रही है ये मंदिर का बाहर वाला व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे भगवान जी मिलते हैं हमको, साइड में श्री नदी देवी हैं, और भी बहुत सारे भगवान जी हैं जिनके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। जय भगवान जी। और यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी जो हैं वो बैठे हुए हैं। श्री हनुमान भगवान जी, जय हनुमान भगवान जी, श्री काल भैरव बाबा। तो ये है अखंड ज्योति कलश, देख सकते हो ऊपर झंडा लहरा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से इसको बनाया गया है। ये 10 अप्रैल 1986 से प्रज्वलित है ये ज्योति। मंदिर खुलने का जो समय है वो सुबह 6 बजे, आरती 7 बजे, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर गेट बनाया गया है जहाँ से अभी फिलहाल माता जी के दर्शन करके LED डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, तो अंदर तो नहीं करा पाए लेकिन आप बाहर से ही माता रानी के दर्शन कर सकते हो। जय माता दी। इधर है प्रसाद वितरण केंद्र, यहाँ पे प्रसाद आप ले सकते हैं। है पुलिस सहायता केंद्र, जैसे आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे पुलिस सहायता करने के लिए है, और यहाँ पे मेडिकल की टीम भी बैठी हुई है इनकेस मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए। और इधर पे नगर पालिका परिषद रतनपुर के मेंबर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो मंदिर के जस्ट बाजू में ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर सा तालाब भी है, और जिसमें कमल के फूल भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इसमें जो पत्तियां हैं वो पूरी तालाब को ढकी हुई हैं, और कहीं कहीं आपको बड़े बड़े कमल के फूल भी दिख रहे होंगे, काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पे एक और तालाब है जिसमें नहाना बिल्कुल सख्त मना है, और इस तालाब के ही बाजू में दो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मंदिर है। तो अभी उस मंदिर में चल रहे हैं दर्शन करने के लिए, और जाने का जो रास्ता है वो इस तरफ से है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, इसमें अभी भी भगवान विराजमान है। तो फाइनली गाइस माता रानी के दर्शन मेरे हो गए हैं कंप्लीट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके।
नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ ही गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब।